लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भैया, यही वो ऋषिमुख पर्वत है ना जिसके बारे में कवन ने हमें बताया था? हाँ लक्ष्मण, ये वही पर्वत है जहाँ वानराज सुग्रीव का निवास है। हमें यहीं पर उनका पता लगाना होगा। हाँ भैया, वनवासिनी शबरी ने भी हमें यही कहा था कि सुग्रीव हमारी सहायता करेंगे। भैया आप यहीं रुकिए, मैं जाकर सुग्रीव का पता लगा के आता हूँ। नहीं लक्ष्मण, तुम बहुत थक गए हो, ऊपर आकर थोड़ा विश्राम कर लो। हो सकता है सुग्रीव के बारे में हमें यहाँ कोई संकेत मिल जाए। सुंदर युवक कौन है? अवश्य ये बाली के भेजे हुए गुप्तचर हैं, जो मेरा पता लगाने आए हैं। हनुमान, हनुमान! क्या बात है सुग्रीव, क्यों पुकार रहे हो? हनुमान, उधर देखो, उन दो तपस्वी युवकों को देख रहे हो? कहाँ खो गए हनुमान? क्या तुम उन दो युवकों को नहीं देख पा रहे? देख रहा हूँ सुग्रीव, देख रहा हूँ। उन्हें देखते ही आंखें वहीं स्थिर हो गई हैं। कितना तेज है उनके मुखमंडल पर, कितना अलौकिक है उनका रूप। तुम उनके तेज और रूप में खो गए, किंतु मेरा मन कुछ और कह रहा है हनुमान। क्या कह रहा है तुम्हारा मन सुग्रीव? मेरा मन कह रहा है हनुमान कि ये मेरे शत्रु बाली के भेजे हुए गुप्तचर हैं। जब बाली तुम्हारे रहते यहां मुझ पर प्रहार नहीं कर सका, तो उसने अब ये दूसरा उपाय अपनाया है। कैसा उपाय सुग्रीव? तुम किस उपाय की बात कर रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। हनुमान, बाली ने इन गुप्तचरों को भेजकर हमारे गुप्त स्थान का पता लगाने का उपाय निकाला है। जिस प्रकार ये इधर उधर देखकर भेद ले रहे हैं, उससे ये बात सिद्ध हो रही है। नहीं सुग्रीव, ये तुम्हारा भ्रम है। इतने सुंदर, भव्य और सज्जन पुरुष बाली के गुप्तचर कदापि नहीं हो सकते। हनुमान, मेरी बात मान, कभी तो मेरी बात मान लिया करो। ठीक है सुग्रीव, यदि तुम कहते हो तो तुम्हारी बात मैं अवश्य मानूंगा। कहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? हनुमान, तुम तो रिद्धिधारी वरदानी हो, इच्छा अनुसार अपना रूप बदल सकते हो। बदल सकता हूं, परंतु तुम ये भी भली भांति जानते हो कि इस शक्ति का प्रयोग मैंने कभी नहीं किया। परंतु तुम्हारी इच्छा का सम्मान करते हुए मैं रूप बदलूंगा। परंतु ये तो बताओ कि तुम मुझसे करवाना क्या चाहते हो? हनुमान, तुम ब्राह्मण का रूप धरकर उनके पास जाओ, पता करो कि वो किस उद्देश्य से यहां आए हैं। क्या कोई गुप्तचर यह बताएगा कि मैं गुप्तचर हूं? कैसी भोली बातें करते हो तुम सुग्रीव। हनुमान, यदि ये लोग तुमसे मेरे बारे में कुछ पूछेंगे, उससे ये बात सिद्ध हो जाएगी कि ये गुप्तचर हाँ। और बाली ने यहां भेजा हाँ। हनुमान, और फिर तुम चतुर हो, बातों बातों में भेद निकाल सकते हो। ठीक है सुग्रीव, जैसी तुम्हारी इच्छा। आओ लक्ष्मण, यहां बैठकर थोड़ा विश्राम करते हैं। क्या बात है लक्ष्मण, तुम बहुत व्यग्र लग रहे हो। मन की व्यग्रता के बीच में विश्राम करने को जी नहीं कर रहा भैया। जब तक मैं सुग्रीव का पता नहीं लगा लेता, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। भैया, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं सुग्रीव को ढूंढने जाऊं। भैया, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। प्रणाम ब्राह्मण देवता।
जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। आप दोनों के मुखमंडल का तेज ये बता रहा है कि आप दोनों किसी राज परिवार के युवक हैं, परंतु आप दोनों ने यह तपस्वी का वेश क्यों धारण किया है? आप लोग एक दूसरे की ओर आश्चर्य से क्यों देख रहे हैं? क्या मैंने असत्य कहा? नहीं ब्राह्मण देवता, आपने सत्य कहा। आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है, किंतु आप हमें पहले से तो नहीं जानते हैं। पहले से जानो या ना जानो, इससे क्या अंतर पड़ता है? महानुभावो, इस वृद्धावस्था तक पहुंचते पहुंचते मैंने अनगिनत लोगों से भेंट की है, परंतु ऐसा अनुपम रूप मैंने आज तक नहीं देखा। यदि मेरा अनुमान सत्य है तो बताइए, आप लोग कौन हैं, कहां से आए हैं और आपके यहां आने का उद्देश्य क्या है? हमें अपने बारे में ब्राह्मण देवता को सब सत्य बता देना चाहिए भैया, ये हमारी सहायता कर सकते हैं। अवश्य लक्ष्मण, देखो उनकी आंखों में कैसा अपना पन उमड़ रहा है। आप शब्दशः सत्य कह रहे हैं ब्राह्मण देवता, हम अयोध्या के राजकुमार हैं, श्री राम और लक्ष्मण। जय श्री राम। अपने राम को पहचाने बिना ही श्री राम की जय बोल दी ब्राह्मण देवता। प्रभु, जय बोलने के लिए प्रभु का नाम ही पर्याप्त है। एक सेवक के लिए। कौन सेवक, कौन प्रभु, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं ब्राह्मण देवता? जय श्री राम। प्रभु, अब मुझसे अनजान बने रहने का स्वांग नहीं होगा, मैं हूं आपके चरण का दास। प्रभु, भैया क्या आप इन कपिराज को पहचानते हैं? मैं हनुमान हूं लक्ष्मण भैया, जन्म जन्म से प्रभु श्री राम के चरणों का दास हनुमान। हनुमान, आओ हनुमान, मेरे गले से लग जाओ। तुम्हें हृदय से लगाकर भक्ति की शक्ति को उजागर करने के लिए ही मैंने यह अवतार धारण किया। हम दोनों बरसों दूसरे से दूर रहे, परंतु तुम एक पल के लिए भी मेरी मन की आंखों से उछल नहीं हुई। मैंने अपने जीवन का एक एक पल आपकी आराधना में बिताया है। आप वहां कष्ट झेलते रहे और उसकी आंच मुझे लगती रही। मैं रोता रहा, तड़पता रहा, परंतु कुछ कर ना सका। अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सुग्रीव मेरा प्रिय सखा है, उसी ने मुझे आप लोगों के पास भेजा है। सखा सुग्रीव की सहायता से आपका ये सेवक हनुमान सीता मैया को अवश्य खोज निकालेगा। तुम धन्य हो हनुमान, धन्य हो।